हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर डीपी सिंह, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक, जो क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल एक्सिस थ्योरम वेरी इजी वे में आपको समझाने वाले हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दो ऐसे थ्योरम होते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक को एकदम ईजी बना देते हैं। चुटकी बजा बजा के क्वेश्चन आप इससे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को जब समझने चलता है तो वह एक्सिस में ही कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे हम एक्सिस को समझें, कैसे उसको जानें, उसको क्लियर नहीं हो पाता है। आज इसको हम एकदम इजी वे में आप लोगों को समझाने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। डियर, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है ये केवल प्लेनर बॉडीज के लिए ही अप्लीकेबल होता है, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज के लिए डियर अप्लीकेबल होता है। ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज का मतलब थ्री डायमेंशनल बॉडीज और टू डायमेंशनल बॉडीज, दोनों प्रकार के बॉडीज के लिए वैलिड होता है। किसी भी बॉडी का अगर मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेन एक्सिस उसे कहते हैं जो उस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वहां से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसे IG से इंडिकेट करते हैं। अगर किसी भी बॉडी का मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है तो उसके पैरेलल आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इजी वे में फाइंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्लास 11th का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक, दैट इज रोटेशनल मोशन वाला टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि क्लास 11th एग्जाम में पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता है, डेरिवेशन करने के लिए आता है। इसके अलावा डिस्क हो, चाहे रॉड हो, चाहे हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, सबकी मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेरिवेशन करने के लिए सब आते हैं। तो कंप्लीट अगर स्टडी आपको करना है, कंप्लीट डेरिवेशन के साथ एक एक लाइन अगर आपको पढ़ना है, तो ऐसे में डीपी सिंह क्लासेस के द्वारा ऐप के थ्रू आपको कंप्लीट स्टडी कराया जा रहा है, जिसमें क्लास 11th फाउंडेशन, क्लास 12th फाउंडेशन, टारगेट, IIT और नीट बैच की अलग अलग ऐप के द्वारा क्लासेस इस समय चल रही हैं। उसको आप ज्वाइन करें, पढ़ें और अपने ज़िंदगी को बनाएं, जिसमें कि फिजिक्स एकदम सीक्वेंस से एक एक लाइन कंप्लीट स्टडी कराया जा रहा है, जिसमें कि जो डीपी सिंह क्लासेस का ऐप का जो फोटो है वो कौन सा ऐप है, ये इस वीडियो के लेक्चर के लास्ट में वो आपको ऐप का फिगर दिख जाएगा, जिसको कि आप प्ले स्टोर पे जा करके उस आप ऐप को ओपन करके, डीपी सिंह क्लासेस का ऐप ओपन करके उसको रजिस्टर करके ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट सीक्वेंस से फिजिक्स की स्टडी कर सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया डिस्क का एग्जांपल। ये देखो एक डिस्क है, जो डिस्क होता है वो प्लेनर बॉडी होता है, ये पूरा इसमें मास भरा हुआ आता है हुआ होता है, लेकिन एक प्लेनर बॉडी होता है जिसका रेडियस देखिए कितना है, आर है। इस डिस्क का मास कितना है, एम है। तो यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाला जो एक्सिस है ये इसका मेन एक्सिस है, जिसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखो यहाँ पे लिखा है IG मतलब मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसका मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। IG इज इक्वल टू हाफ MR2। अब आप कहेंगे कि हाफ MR2 कहाँ से आया, तो यही सब तो डेरिवेशन होते हैं, जिसमें कि डिस्क में एक dx थिकनेस का रिंग कट किया जाता है और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो MR2 होता है उसके हेल्प से उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके फिर इसको जीरो से लेकर के आर तक इंटीग्रेट जब करते हैं तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ MR2 उसके मेन एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो ये सारे डेरिवेशंस क्लास 11th में कंप्लीट आपको ऐप के थ्रू डेरिवेशंस हर टॉपिक के मिलेंगे, हर कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, जिसमें क्लास 11th में ऑलरेडी टोटल 4 सेक्टर्स फिजिक्स में पढ़ने हैं, जिसमें कि मैकेनिक्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव मोशन एंड साउंड, टोटल 4 सेक्टर, क्लास 11th में टोटल सेक्टर्स की स्टडी कंप्लीट करनी होती है, जो ऐप के द्वारा कंप्लीट स्टडी डीप सिंक क्लासेस के द्वारा सीक्वेंस में कराया जा रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और कॉन्सेप्ट इजी वे में हम बताते हैं, जिसमें कि ये एक हम यहां पर दिखा रहे हैं डिस्क है, ये एक डिस्क है जो यहाँ हमने डिस्क बनाया है, ये आपको कंप्लीट देखिए एक डिस्क दिखा रहे हैं। ये जो डिस्क है देखिए राउंडेड बॉडी है, इसका रेडियस इसमें कितना लिखा है, आर लिखा है, ये एक प्लेनर बॉडी है, और ये जो इसका है देखिए मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस यहाँ पर देखिए हमने बना दिया मेन एक्सिस, और यही डायग्राम यहाँ पर यहाँ इस तरह से बना है। तो इसको देखा जाए कि ये हाफ एम आर स्क्वायर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका मतलब क्या होता है, तो हम डिस्क को इसके मेन एक्सिस के अबाउट देखिए रोटेट कराएंगे, तो ये डिस्क रोटेट कर रहा है मेन एक्सिस के अबाउट, मतलब मेन एक्सिस के अबाउट इस तरह से जब रोटेट करा दिया जा रहा है तो ये हमेशा रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट करते करते क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। इसको कौन रोक रहा है, इसी को तो रोक रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। तो किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है जो कि उस एक्सिस के अबाउट रोटेशन का वह क्या करता है, अपोज करता है, अपोज करने के कारण ही ये क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। और डियर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया डियर श्री कृष्ण भगवान के चक्र के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। श्री कृष्ण भगवान के जो फिंगर में डिस्क रोटेट करता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया श्री कृष्ण भगवान के चक्र के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो आप जान गए कि कितनी उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, तो होगी हाफ एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर हुआ, अपोजिंग प्रॉपर्टी है जो रोटेशन का क्या करता है, अपोज करता है। लेकिन हम लोग क्या समझने वाले हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या है कि इस बॉडी के अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन एक्सिस के अबाउट अगर आपको पता है तो किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये एक एक्सिस है जो कि मेन एक्सिस के पैरेलल है, तब इस एक्सिस के अबाउट जो कि इसका टेंजेंट है, इसके सर्कमफेरेंस को टच करते हुए जा रहा है, अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो मेन एक्सिस के पैरेलल चूंकि यह है तो यहां पर अप्लाई कर दीजिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और एक झटके में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टेंजेंट के अबाउट आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन डिस्क की दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, डिस्क की दो टेंजेंट होते हैं, एक होता है मेन एक्सिस के पैरेलल और एक होता है डियर इसके डायमीटर के पैरेलल, एक ये टेंजेंट होता है और एक ये टेंजेंट होता है, दो टेंजेंट होते हैं और दोनों टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बहुत इजी वे में फाइंड किया जा सकता है। क्लियर, तो ये हमने डिस्क यहां पर बनाया है, ये हो गया इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन एक्सिस के अबाउट। अब टेंजेंट एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जानना है तो ऐसे में हमको कुछ नहीं करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर देना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने से पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई जी प्लस एम डी स्क्वायर होता है। तो जो आई जी होता है उसमें एम डी स्क्वायर एड हो जाने से पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट डियर इंक्रीज करता है। तो ये हो गया मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस हो गया, और इसी के पैरेलल टेंजेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड करना है तो आप अप्लाई कर दें पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक झटके में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। लेकिन इसके लिए मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, तो डियर वो डेरिवेशन से आएगा, और डेरिवेशन जब अलग अलग टॉपिक की स्टडी हम लोग करते हैं तो उसमें कंप्लीट डेरिवेशन एक एक लाइन सीक्वेंस से डेरिवेशन कराया जाता है। तो यह है मेन एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट एक्सिस जो कि इसके इंड को टच करते हुए जा रहा है, सरकमफ्रेंस को टच करते हुए जा रहा है, इसलिए इसका कहलाता है टेंजेंट एक्सिस
पैरेलल टू मेन एक्सिस, इसके अबाउट इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है इसको आईटी कहेंगे, इसी को फाइंड करना है। अब अप्लाई कर दें पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दैट इज टेंजेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज इक्वल टू मेन मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई जी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, ये कहलाता है डियर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। खुद इस थ्योरम का भी डेरिवेशन है, हर कॉन्सेप्ट का डेरिवेशन है, और ये सारे डेरिवेशन जब क्लास 11th फाउंडेशन के क्लासेस जब ली जाती हैं तो उसमें कंप्लीट डेरिवेशन कराते हुए क्वेश्चन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह से क्लास 11th का फाउंडेशन, इस तरह से क्लास 10th का फाउंडेशन, नीट बैच, आईआईटी बैच, सबकी अलग अलग कंप्लीट सिक्वेंस से स्टडी, जिसमें ये देखो जो एम है इस बॉडी डिस्क का मास है और ये जो डी है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन है, तो बताओ एक ये एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है आर, तो डी के स्थान पर क्या लिख देंगे आर लिख देंगे, एम को एम रहने देंगे, और जो आईजी है इसका वैल्यू है देख रहे हो कितना हाफ एम आर स्क्वायर, बस पुट कर दो तुरंत टेंजेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया विद हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम चुटकी बजा के क्या हो गया सॉल्व हो गया, दैट इज टेंजेंट एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज इक्वल टू आईजी का वैल्यू आ गया हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू डी का वैल्यू, खुद ही सोचिए डी का वैल्यू कितना होगा दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन, दैट इज आर का स्क्वायर, दैट इज टेंजेंट एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर, इसका मतलब अगर ये सिचुएशन मन में आपके है, ये डायग्राम अगर मन में है तो इसको समझना बहुत ही आसान हो जा रहा है। कहेंगे अच्छा टेंजेंट का अबाउट इनर्सिया निकालना है तो मन में ही सॉल्व करो, कहे डिस्क के मेन एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमको याद है हाफ एम आर स्क्वायर, और इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड करना है तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो गया आ गया, और क्वेश्चन इसका क्या हो गया सॉल्व हो गया, तो यह आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर प्रकार के बॉडीज के लिए अप्लीकेबल होता है, चाहे 3-dimensional बॉडी हो और चाहे 2-dimensional बॉडी हो, लेकिन जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है वो केवल प्लेनर बॉडीज के लिए ही अप्लीकेबल होता है। तो खूब मेहनत से आप लोग पढ़ाई करें, कंप्लीट स्टडी करें, टोटल सिलेबस का कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। कंप्लीट नॉलेज तभी मिलता है जब टीचर एक एक लाइन सीक्वेंस से क्या करता है पढ़ाता है। तो खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।